Good morning, students. Good morning, good morning, good morning, everyone. Welcome to an Academy need Topper channel, your one stop solution for physics, chemistry, and biology. Everybody can see me and hear me. Do let me know in the chat box. Yes, Bacho. Everybody can see me? Yes. So, chapter, wale. yesterday we completed our first chapter. जी नाउ यूर विदर्डर चार्टॉक्स एनरोलमेंट्स राइट तो चलिए स्टार्ट करते आज का सेशन डो नॉट फरगेट टू सब्सक्राइब को आप सब्सक्राइब करते रहेंगे हम और ज्यादा मोटिवेटेड होते रहेंगे खेल शुरू हो चुका है आपको पता है मैम कौन से खेल की बात करिए मतलब कहने की बात है मुझे तो इन सब के बारे में अपडेट्स भी नहीं रहते मैं कल ही आपको बोल रही थी बेटा मैंने कल एक वीडियो देखी खेल हो चुका है शुरू एंड जनरली खेल अब बड़े लेवल पे शुरू हो चुका है तो बेटा आप लोग टेंशन ना ले अपना आराम से पढ़ना ये मत सोचना कि कब होगा एग्जाम कब नहीं होगा आप अपने दिमाग में सोच के चलना एक ही दिन होना एग्जाम ठीक है अपनी प्रिपरेशन आपको उस हिसाब से करनी है अब देखो यहाँ पे जूही मैम ने स्लाइड्स बनाई तो लाइक शेयर तो बनता है ना बॉस उनके लिए फिर आते हैं टेलीग्राम चैनल पे विद ऑलमोस्ट मोर देन 51 के सब्सक्राइबर इक्यावन हजार से ज्यादा सब्सक्राइबर है आप भी यहाँ पे आइए बेटा मेक श्योर यू आर डाउनलोडिंग द टेलीग्राम ऐप एंड क्लिकिंग ऑन द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज्वाइन इट फॉर फ्री देन वी हैव क्रैश कोर्स है बेटा देखो इक्कीस वालों का सिलेबस ऑलमोस्ट हो चुका है ठीक है दे आर ऑलमोस्ट डन अभी बस तुम्हारे लिए बचा है तो जिंदगी में क्रैश कोर्स बचा है ठीक है

यहाँ पे आपको क्लासेस में आपको पता लगेगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द क्लासेस ठीक है सो बेसिकली जो बच्चे बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं उनके लिए तो ये सबसे बेस्ट चीज होती है तो मैं आपसे फिर से कहूंगी यू कैन टेक दिस एंड यू कैन यूज माय रेफरल कोड जीए यस यू कैन यूज द जी रेफरल कोड एंड यू कैन टेक योर सब्सक्रिप्शन आपको यहाँ पे डिस्काउंट मिल जाएगा और अभी लेंगे तो ज्यादा फायदा है क्योंकि ट्वेल्व प्लस थ्री यानी बारह महीने के साथ तीन महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री है और तीन महीने के साथ एक महीने का सब्सक्रिप्शन फ्री तो ये 2021 वालों के लिए ये 2022 वालों के लिए तो मैं तो बेटा लॉन्ग टर्म की सोचो और अपनी पढ़ाई को आगे रखो अब आते हैं एक्सपर्ट क्लासेस स्पेशल क्लासेस आज क्लास है या नहीं है आज क्लास है एक बजे है डाइजेशन एब्जॉर्प्शन किया ठीक है थीके? तो वहां पे आपको लिंक दिया हुआ है ठीक है कॉम्बैट इस बार का कॉम्बैट किसने बनाया आपके मैम ने बनाया है ठीक है तो इस बार का कॉम्बैट को एनरोल करने के लिए लिंक कहां पे दिया आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको जरूर एनरोल करना है चलो आप चैप्टर शुरू करते हैं बच्चे भी आ गए हैं ठीक है और ये भी आ गए हैं प्लस सब्सक्रिप्शन के बारे में सोचना इट इज गोइंग टू बी अ रियली गुड फॉर यू ठीक है चलो अब आते हैं यहाँ पे बॉडी फ्लूड्स एंड सर्कुलेशन बॉडी फ्लूड्स एंड सर्कुलेशन दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर यहां से आपको पता है करीबन करीबन दो से तीन सवाल आते हैं तो आज हम बारह मार्क्स का चैप्टर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे ठीक है चलो आ जाओ लेट्स कम टू द क्लास एंड फुल अटेंशन भी रहनी चाहिए क्लास में बच्चों आप माम, सही बात है आप कुछ अच्छी चीज खा रहे हो तो हार्मुलस भी बनेगा और हार्मुल्स को हमें हटाना भी होगा ये बात भी बिल्कुल सही है ठीक है इट इज देयर फोर असेंशियल टू हैव एफिशियंट मेजम फॉर द मूवमेंट ऑफ दी सब्सटांसेज टू द सेल एंड फ्राम द सेल्स को ले जाना

तो so, यहां पे बेसिकली आपके जो बॉडी कैविटीज है कौन सी बॉडी कैविटीज यही रोल प्ले करेगी फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल ठीक है ना मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्सनिज स्पेश बॉडी टू ट्रांसपोर्ट सच मटीरियल एंड द फर्स्ट वी हैव इज द ब्लड ना लेट अस टॉक अबाउट द ब्लड क्या ब्लड के? के बारे में हम क्या क्या जानते हैं तो so, चलिए जल्दी से बच्चों यहां पे लिख लेते हैं लेट्स राइट ऑल द इंपॉर्टेंट हियर पॉइंट नंबर वन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड चलिए जल्दी आंसर दीजिए चार्टॉक्स में दोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एस हीमोसिस क्या कहते हैं उस प्रोसेस को हीमो पॉइसिस द फॉर्मेशन ऑफ ब्लड द सेकेंड कहा बनता है ब्लड बेटा कहां बनता है ब्लड ब्लड इज फॉर्म इन द रेड बोल मैरो रेड बोन मैरो कहां पे प्रेजेंट होता है वॉट इज द लोकेशन ऑफ रेड बोन मैरो दैट इज द एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स एंड एंड ऑफ द लॉन्ग बोन्स आर कॉल्ड बोन एपीफाइसिस ठीक है एपीफाइसिस मीन टर्मिनल एंड ऑफ अ बोन ठीक है वहीं पे अगर हम बात करें लॉन्ग बोन्स तो इसका एग्जाम्पल क्या है मेरे बच्चों द एग्जाम्पल इज फीमर एग्जाम्पल इज फीमर तो यहां पे प्रेजेंट होता है रेड बोन मारो एंड टिश्यू इज प्रेजेंट इन अ लूज फॉर्म एंड सच टिश्यू व्यू कॉल्ड ट्राबकुली ट्राबकुली आर लूज अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू लूज अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू इन बोन ठीक है ओरिजिन वट इज द ओरिजन ऑफ रेड बोन मैरो बच्चा जितनाटिव रहेगा वो उतने ज्यादा आंसर दे पाएगा ठीक है तो अगर यहाँ पे इसकी ओरिजिन की बात करें तो एवरी वन दिजिन ऑफ ब्लड इज योर मीजो डरम इट इज मीजो डरमल इन ओरिजिन ठीक है अब इसकी फोर्थ पॉइंट की बात करें मीजोडर्मल तक भी पहुंच गए तो कल भी मैंने बताया था दिस इज द ओनली कनेक्टिव टिश्यू विच लैक फाइबर्स सो इट इज फाइबर लेस इट इज फाइबरलेस स्पेशू स्पेशलाइज कनेक्टिव टिशू संयोजी ऊतक ठीक है तो ये सब पॉइंट्स है जो आपको सबको लिखने चाहिए कुछ कुछ पॉइंट्स। ब्लड इज मोस्ट कॉमनली यूज बॉडी फ्लुइड इंक्लूडिंग यहाँ दैट इज ट्रांसपोर्ट क्या एनसीआर बताना है क्या पर्पस है purpose पे क्या है ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल ठीक है नाउर बॉडी फ्लूड इज लिम्फ लेट कम टू द लिम्फ लेट्स राइट फ्यू पॉइंट अबाउट लिम्फ ऑल्सो लिम्फ इज वट यू कॉल interstitial fluid true or false everybody tell me in the chat box can i call lymph as lymph as interstitial fluid then your answer would be yes ma'am this is also called as interstitial fluid why it is called as interstitial fluid because it is present between the cells okay because it is present between cells between cells okay and lymph Is yellow or pale yellow in color? ठीक है, color इसमें हो सकता है pale yellow भी color हो सकता है, depends. ठीक है, तो ये हो गया lymph. Also helps in the transport of certain substances. In this chapter you will learn about the composition, properties of blood and lymph, and the mechanism of circulation of blood is also explained herein. ठीक है, तो शुरू किया जाए, आज का माहौल set है बच्चों, माहौल आज का energy levels कैसे? जबरदस्त, बता दो chat box में. तो आज का हम शुरू कर रहे हैं कार्यक्रम कार्यक्रम में सबसे पहली चीज जो आज हम पढ़ने वाले है, वो है ब्लड ठीक है तो ब्लड का कुछ इंट्रोडक्शन हाँ लिख दिया है tissue, matrix, plasma, तो सबसे पहले एक ही लाइन से आपको पता लगता है कि बेसिकली इसमें क्या क्या चीजें हैं कंसिस्टिंग ऑफ फ्लूड मैट्रिक्स इसके पास फ्लूड मैट्रिक्स है इसके पास प्लाज्मा है इसके पास फॉर्मड एलिमेंट्स है तो पहले तो यही चीज बतानी चाहिए आपको ठीक है अब आते हैं प्लाज्मा लेट अस कम टू द प्लाज्मा प्लाज्मा सबसे पहले बनता कहां पे है मेरे बच्चों जल्दी, जल्दी से बताओ चैट बॉक्स में चलिए बताइए जल्दी से चैट बॉक्स में प्लाज्मा बनता कहां पे है यस yes. अगर मैं आपसे पूछूं तो प्लाज्मा कहां पे बनता है बच्चों इट इज फॉर्मड इन द लिवर तो सबसे पहले सब बच्चे यहां पे लिखेंगे सिंथेसाइज

55% is your इज योर प्लाज्मा इसको ऐसे फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखेंगे 45% आपका ठीक है 90 टू नाइनटी टू परसेंट अफ प्लाज्मा इज वॉटर यानी कि इस पचपन में भी इस पचपन में भी नब्बे से 92% टू परसेंट आपका क्या है वॉटर क्या है वॉटर

फिफ्टी फाइव परसेंट इसमें भी नाइंटी टू नाइंटी टू परसेंट क्या था पानी वाटर सिक्स टू एट परसेंट क्या था मेरे बच्चों प्रोटीन और अब आते प्रोटीन कौन कौन से प्रोटीन है पहला प्रोटीन है फेब्रीनोजन फेब्रीनोजन दिस फेब्रीनोजन हेल्प्स इन द ब्लड क्लॉटिंग किसमें हेल्प कर रहा है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है फेब्रीनोजन

अब हाउ दे पार्टिसिपेट इन इम्यूनिटी कैसे हम कह सकते हैं कि इम्यूनिटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो एंटीबॉडीज होती है वो आईजी होती है सही बात है या नहीं है ना आईजी होती है ना एंटीबॉडी और आईजी की के अगर हम फुल फॉर्म लिखे तो क्या होता है इम्यूनोग्लोबुलिन यानी कि हर एंटीबॉडी में भी क्या आता है ग्लोबुलिन आता है ठीक है तो इम्यूनो यानी ग्लोबुलिन हो गए तो जितना ज्यादा एंटीबॉडी यानी उतना ज्यादा ग्लोबुलिन तो अगर आपने इम्यूनिटी बढ़ानी है इस टाइम तो आप क्या खाएंगे बच्चों यस yes. क्या खाएंगे आप आप खाएंगे खूब सारा प्रोटीन ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट चीज पे फ्रिब्रोलोजन आर नीडेड फॉर क्लॉटिंग यही हमने किया एनकोलेन ऑफ ब्लड ग्लोबिल्स प्राइमरलीफेंस डिफेंस डिफेंस मैकेनिज्म मतलब Immunity. Immunity मतलब प्रतिरक्षा तंत्री एंड ऑस्मो रेगुलेशन ऑस्मो रेगुलेशन कौन कर रहा है आपकी बॉडी में ऑस्मो रेगुलेशन करता है आपकी बॉडी में किडनी ऑस्मोटिक बैलेंस का मतलब है कि आपके ब्लड में कितना अमाउंट ऑफ सॉल्ट इस वक्त प्रेजेंट है ठीक है यस yes.

On, बच्चो. क्यों चाहिए क्लोराइड आयन क्लोराइड आयन इसलिए चाहिए क्योंकि वहां पे होती है क्लोराइड शिफ्ट और क्लोराइड शिफ्ट के लिए आपको क्लोराइड तो चाहिए ना बच्चों तो क्लोराइड इज नीडेड फॉर क्लोराइड शिफ्ट ठीक है ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है फिर आते हैं बाय कार्बोनेट आयन बाय आयन भी क्यों चाहिए क्लोराइड चिप के लिए क्योंकि बाय आयन जाएगा अंदर तो क्लोराइड अंदर जाएगा तो बाहर क्या आएगा बाय जाएगा ठीक है तो ये भी क्लोराइड चिप देन वी हैव मैग्नीशियम दिस इज यूज एज को फॉर सेवरल एंजाइम्स कैल्शियम कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल एंड सोडियम फॉर डीपोलराइजेशन ऑफ नर्व फाइबर ठीक है

डस सीरम कंटेन एंटीबॉडीज ट्रू और फॉल्स ये वाले क्वेश्चन नीट वाले पूछते हैं डस सीरम कंटेन एंटीबॉडीज ट्रू और फॉल्स चलिए जल्दी बताइए यस yes, चुटकी सलोनी सीरम के अंदर एंटीबॉडी है या नहीं ऐसे क्वेश्चन पूछता ना नीट वाला तो आप बताइए जल्दी से चलिए ट्रू आंसर इज ट्रू इसके अंदर एंटीबॉडीज है इसके अंदर क्या नहीं है क्लॉटिंग फैक्टर्स नहीं है क्या इसके अंदर प्लेटलेट्स हैं क्या इसके अंदर प्लेटलेट्स हैं क्वेश्चन नंबर टू कंटेन प्लेटलेट्स नो कोई भी फॉर्म एलिमेंट नहीं होता है इसके अंदर ठीक है तो बेसिकली सीरम इज इक्वल टू प्लाज्मा प्लाज्मा में ऑलरेडी फॉर्म एलिमेंट्स माइनस है प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स ठीक है अब मैं यहीं पे आपसे पूछूं क्या इसमें फिब्रिनोजन है आंसर आपका क्या होगा नो no. फिब्रोजन नहीं है एंटीबॉडीज है प्लेटलेट्स नहीं है तो इस तरीके से थोड़े से आपसे घुमाया जा सकता है क्वेश्चन को घुमा के आपसे पूछा जा सकता है ठीक है और जब घुमा के पूछा जाता है तो आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं एंड यू गेव रॉन्ग आंसर ठीक है अब आते हैं फॉर्म डेलीमेंट तो इतना सबने लिखा बच्चों राइट इतना लिखा अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे दैट इज फॉर्म डेलीमेंट्स आ जाइए फॉर्म डेलीमेंट्स पे आ रहे हैं तो पहला फॉर्म डलिमेंट हमारा क्या है एरेथ्रोसाइट विच आर ऑल्सो कॉल्ड एस आरबीसी ल्यूकोसाइट ऑल्सो कॉल्ड एज डब्ल्यू बी सी प्लेटलेट्स ऑल्सो कॉल्ड एस थ्रोम्बोसाइट ऑल्सो कॉल्ड एस वोम्बोसाइट पहले तो इनके दूसरे नाम लिख लो सबके सब ठीक सब, है अब पहली चीज व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ थ्रोम्बोसाइट नाउ अ क्वेश्चन टू यू पीपल व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ थ्रोम्बोसाइट थ्रोम्बोसाइट का ओरिजिन क्या है तो आपको पता होना चाहिए कि जितने भी फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं सबका ओरिजिन मेसोडर्मल है तो अगर मैं एक-एक करके पूछूं तब भी आंसर आपका मेसोडर्मल ही रहेगा ठीक है आर कलेक्टिवली कॉल्ड फॉर्मड एलिमेंट्स तो तीनों को मिला दो तो हम क्या कहेंगे कि ये फॉर्मड एलिमेंट्स है ठीक है यस एंड दे कॉन्स्टिट्यूट नियर अबाउट 45% ऑफ ब्लड तो ये क्या है 45% ऑफ ब्लड बनाता है एरिथ्रोसाइट और आरबीसी

चलिए आइए सबसे पहले कौन से? जल्दी बॉक्स में माँग, बोन माँग, मेगा कर दूंगी गलत 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 ये yes. तो सबसे पहले कौन से आरबीसी मोस्ट अपर उसके बाद कौन से आते बच्चों प्लेटलेट्स उसके बाद कौन से आते हैं प्लेटलेट्स ठीक है प्लेट प्लेटलेट्स के बाद आएंगे डब्ल्यू बट डब्ल्यू में भी सबसे अबंडेंट कौन सा होता है न्यूट्रोफिल कौन सा अबंडेंट होता है न्यूट्रोफिल फिर उसके बाद कौन से आते हैं लिंफोसाइट फिर कौन से आएंगे लिम्फोसाइट फिर लिंफोसाइट के बाद कौन से आएंगे मोनोसाइट्स ठीक है क्योंकि सिक्स टू एट परसेंट होते हैं फिर मोनोसाइट्स के बाद कौन से आएंगे वन पार्टिसिपेट ड्यूरिंग एलर्जिक फिर उसके बाद लास्ट में जो सबसे कम मात्रा में होते हैं वो होंगे आपके बेजोफिल्स कौन से आपके बेजो फिल्स तो ये एक फ्लो चार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर आई वांट एवरी स्टूडेंट टू रिमेंबर दिस आगे हम इसकी परसेंटेज भी लिखेंगे नंबर भी लिखेंगे ठीक है सो आर यू ऑल एक्साइटेड फॉर राइटिंग द नंबर Yes, my boss, है ना? चलो एडल्ट मैन ऑन एन एवरेज सबसे पहले एडल्ट मैन की बात कर रहे हैं ऑन एन एवरेज फाइव मिलियन टू फाइव पॉइंट फाइव मिलियन ऑफ आरबीसी पर ब्लड अब इस लाइन का मतलब क्या है कि पांच पचास से पचपन लाख आरबीसी होते हैं एम एम क्यूब ऑफ ब्लड में ठीक है आई की आई नहीं बात समझ में टिल्लू तो यहां पे इसका नंबर लिखेंगे सब बच्चे फाइव से फाइव पॉइंट फाइव मिलियन पर एम एम क्यूब ऑफ ब्लड ठीक है बच्चों ये लिखा आपने देखो इस तरीके से आप लाइन लिख सकते हो और अपने सारे क्वेश्चन लिख सकते हैं ठीक है आरबीसी हमने कर लिया ठीक है

जो आरबीसी है बिना किसके बिना है न्यूक्लियस केंद्र के बिना है ठीक है इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स एंड कॉन्केव इन शेप अब इस पे भी हम एक्सेप्शन लिखेंगे एवरीबडी इज गोइंग टू राइट द एक्सेप्शन अब यहां पे आपको एक चीज नोट करने वाली है कि एन लिखती है आरबीसीआर न्यूक्लियस इन मोस्ट ऑफ द मैमल्स नॉट इन ऑल द मैमल्स आई बात समझ में तो यहां पे मैं आपको दो चीजें लिखवा रही हूं जो क्वेश्चन बनता है आपके नीट एग्जाम में पहली चीज क्या है मेरे बच्चों कि जब इमेर आरबीसी होता है तब उसके पास न्यूक्लियस होता है या नहीं होता है? जल्दी बताओ। बताओ। जब आपके पास आपका है तो क्या उसके पास न्यूक्लियस होता है या नहीं होता आपका आंसर होगा नो यस मैम तो इमेच्योर आरबीसी इमेच्योर आरबीसी न्यूक्लियस पहली चीज तो ये समझो तो जो जब वो परिपक्व हो जाता है यानी जब वो डेवलप हो जाता है डिफ्रेंशियट हो जाता है तब उसका न्यूक्लियस बाहर निकल जाता है ठीक है सेकेंड पॉइंट कैमल एंड लामा व्हाट इज द शेप ऑफ आरबीसी कैमल एंड लामा यस बच्चों कैमल यानी देसी ऊंट लामा यानी फिरंगी ऊंट ठीक है देखो कैमल क्या है अपना देसी ऊंट है लामा क्या है अपना फिरंगी ऊंट है ठीक है यानी अमेरिका में मिल रहा है अमेरिका में मिल रहा है ठीक है तो ये कैमल लामा के बारे में बात करें तो इसमें शेप ऑफ आरबीसी क्या है ओवल शेप क्या है ओवल शेप तो यहां इस वाली लाइन से दो पॉइंट्स बनते हैं जो हमने यहां पे कवर कर लिया आई वॉन्ट एवरी वन ऑफ यू टू राइट दिस ठीक है अब नेक्स्ट पे चलते हैं They have a red colored iron containing complex protein called hemoglobin. जैसे आयरन containing बोलता है तो हम हर आयरन के ऊपर एक word जचा देते हैं उस word का मतलब क्या है Fe2+. कौन सी स्टेट में प्रेजेंट होगा टू प्लस स्टेट में प्रेजेंट होगा ठीक है कलर एंडल रिमूव कर दू आई नो आपकी एनसीआरटी भी काफी भर गई होंगी आई एम प्रेटी श्योर जैसे मैं एक एक स्लाइड भर देती हूँ आपकी NCRT भी बहुत अच्छे से भर रही होंगी सो आई एम गोइंग टू इरेज ऑल द इंक बिकॉज दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट

जैसे कि आप देख रहे हैं कि 15 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन हर 100 एमएल पे होता है 12 टू 16 ग्राम ऑफ एच बी पर हंड्रेड एम ऑफ ब्लड ठीक है डन बच्चों अब यहां पे 1 ग्राम सेकेंड पॉइंट वन ग्राम ऑफ एच बी 1.34 वन पॉइंट थ्री ऑफ ऑक्सीजन क्या आपने ये पॉइंट लिखा अपनी एनसीईआरटी में Hashtag module lovers. जितने हमारे यहाँ के मॉड्यूल लवर्स है जिनको लग रहा है कि यूट्यूब पे मॉड्यूल वाली पढ़ाई नहीं होती उनके लिए पॉइंट है कि बेटा वन ग्राम ऑफ एच बी कंटेन थ्री ऑफ ऑक्सीजन ठीक है सो पॉइंट नंबर थ्री तो फिफ्टीन ग्राम ऑफ एच विल कंटेन हाउ मच ऑफ ऑक्सीजन बच्चों 15 इंटू वन पॉइंट थ्री फोर अप्रोक्सीमेटली तो कितना 14 ले लेते चलिए 15 फिफ्टीन लेते हैं पे 14 तो approximately 14 इंटू वन पॉइंट आपका क्या आ जाएगा 20, ml. 20 ml ठीक है तो अब आपको यहाँ पे, क्या समझ में आता है? यहाँ पे हमें समझ में ये आता है फोर्थ पॉइंट कि हर हंड्रेड एम एल ऑफ ब्लड पे हर हंड्रेड एम एल ऑफ ब्लड पे कितना ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है ट्वेंटी एम एल यही लास्ट चैप्टर में कराए थे तुम्हें यही कराया था ना लास्ट चैप्टर में यहां पे उसके कैलकुलेशन भी तुम्हें बिल्कुल दे दिए हैं ठीक है बिल्कुल तो यहां पे एवरी हंड्रेड एम ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कंटेन्स ट्वेंटी एम ऑफ ऑक्सीजन है सॉर्टेड लास्ट वाले चैप्टर का ये पॉइंट सॉर्टेड हो चुका है ठीक है वेरी नाइस अब चलते हैं नेक्स्ट पे

फॉर्म ऑफ पेरेटिन ठीक है पिगमेंट liver. Liver तो है वो कहां से आ रहे हैं अल्टीमेटली आ तो स्प्लीन से ही रहे और स्प्लीन में कहां से आ रहे हैं Breakdown of ऑफ आरबीसी तो बेसिकली ये है आपका पूरा प्रोसेस जो आपको लिखना है ठीक है Yes. मैम नीट एग्जाम में पोस्ट होना बेटा मैम से मत खिलाया करो ये खेल आपके पास इतने सारे यूट्यूबर्स है यार जाओ वहां पे ये हमारी शिक्षा का मंदिर है प्लीज डोंट आस्क मी टू तो प्ले दिस गेम मैं मेरे को सच में इन्फॉर्मेशन नहीं होती और ना मैं इसके बारे में इंफॉमेशन रखती आप मैं आपको फिर से बोल रही हूँ गो टू यूट्यूबर्स यहाँ पे सिर्फ टीचर्स हैं ठीक है वी डोंट रन एनी सॉर्ट ऑफ यू नो न्यूज चैनल सॉरी आप जाइए आप करिए हम आपको रोकते नहीं है कभी भी अब आएंगे नेक्स्ट सेकंड टाइप ऑफ सेल्स इज गोइंग टू राइट दिस सेकंड पॉइंट लाइक दिस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम फ्रॉम दिस चैप्टर क्योंकि यहां से आपको आता है पहचान कौन सवाल कौन से क्वेश्चन आएंगे यहां से पहचान कौन ठीक है पहचान कौन सारे क्वेश्चन यहां से हटते हैं तो हर बच्चे को इसके बारे में पता होना चाहिए तो आज हम इसको डिटेल में करेंगे लेट्स डू दिस इन डिटेल बच्चों कैसे कैसे पहचाने कैसे कैसे पॉइंट लिखने हैं इसके बारे में ठीक है आइए यहां यह हमको पता है एज दे आर कलरलेस ड्यू टू द लैक ऑफ हीमोग्लोबिन तो पहली चीज क्या है कि ल्यूकोसाइट जो है ल्यूकोसाइट है वाइट ब्लड सेल्स है श्वेत रक्त कोशिका कहते हैं क्यों कहते हैं क्योंकि इनके पास हीमोग्लोबिन नहीं होता है दे डोंट हैव हीमोग्लोबिन ठीक है दे आर न्यूक्टेड तो यहां पे नई चीज क्या है कि न्यूक्लिएटेड है पचास mm तो से पचपन लाख वो अंबानी है तो ये हम है बेटा यस वो अंबानी जी है आरबीसी तो ये हम है छह से आठ हजार वाले ठीक है तो इतने कम होते आपके डब्ल्यू बीसी ठीक है

ग्रेन्यूल्स ये लार्ज साइज ग्रैन्यूल होते हैं इनके पास विच गेट स्टेंड जो आसानी से क्या हो जाते, stained हो जाते हैं अब ए ग्रेनोसाइट एबसेंट तो होते हैं बट ऐसा नहीं होता है ए ग्रेन्यूलोसाइट का मतलब क्या होता है कि देव स्मॉल साइज ग्रैन्यूल्स देर स्मॉल साइज ग्रेन्यूल्स नॉट गेट स्टेन विच डज नॉट गेट स्टेन तो ये स्टेन नहीं होते हैं बस इतना सा फर्क है ग्रेनुलट के बीच में और एक ग्रेनुलट के बीच में ठीक है न्यूट्रोफिलोफिल बेजोफिल इसकी ट्रिक टू रिमेंबर क्या बेन बेन माने बेन टेन बेन टेन टेन तो बड़ा नंबर होता है तो यानी किस में आएंगे ग्रेनुलो साइट में आएंगे बेन टेन यानी कि ग्रेनुलो साइट में आएंगे ओके okay. मुझे लग रहा है लाइट बेटा लैग तो नहीं हुआ सेशन में एक बार जल्दी से बताना सेशन में लैग तो नहीं हुआ क्योंकि वो ट्रिप करके लाइट राइट नाउ वी आर ऑन यूपीएस ट्रिप तो नहीं की ना चलिए नेक्स्ट आते हैं

अब देखो मैम कैसे तुम्हें पहचानने पे मजबूर करेगी देखो सब इसको इस तरीके से बनाएंगे एनसीआरटी में बनाया सबने जैसे मैम बना रही है देखिए रंग मैम क्यों बना रही है क्यों इसके पीछे भी एक रीजन है आई टेल यू द रीजन डोंट वरी चलिए अब देखिए आप आपने देखा कि मैम ने कुछ इस तरीके से इसका न्यूक्लियस बना दिया है टाइप ऑफ द न्यूक्लियस इज मल्टीलोब न्यूक्लियस न्यूक्लियस कैसे न्यूट्रोफिल का मल्टीलोब न्यूक्लियस न्यूक्लियस मल्टीलोब्ड होता है इसलिए इसका नाम पीएमएनएल होता है इसलिए इसका नाम क्या होता है पी एम एन एल पीएमएनएल क्या होता है पॉली मोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट ल्यूकोसाइट ठीक है ये बात आपको समझ में आई तीसरी चीज ये वाला जो सेल है न्यूट्रोफिल ये डिफेंस में कैसे पार्टिसिपेट करता है निगल के कैसे पार्टिसिपेट करते हैं निगल के और निगलने वाली प्रोसेस को क्या कहते हैं हम फैगोसाइटोसिस क्या कहते हैं उस प्रोसेस को फैगोसाइटोसिस ठीक है और ये एक भयंकर तरह की मूवमेंट शो करता है जो इसको बीच बीच में से ऐसे घुसने की परमिशन देता है उस मूवमेंट को हम क्या कहते हैं बेटा द मूवमेंट इज कॉल्ड एज इसका नाम न्यूट्रोफिल क्यों है न्यूट्रोफ़िल इसका नाम इसलिए क्योंकि न्यूट्रल है न्यूट्रल का मतलब इट कैन डाई इट कैन गेट स्टेन फ्रॉम एसिडिक एंड बेसिक डाई तो ये दोनों तरह के से स्टेन हो जाता है गेट स्टेन बाय एसिडिक एंड बेसिक डाइस डाई ठीक है बच्चों तो ये स्टेन हो जाता है बेसिक डाई दोनों से फैगोसा हो, हो जाता है फैगोसाइटोसिस हो जाता है मल्टीनोब न्यूक्लियस है तो ये सारे पॉइंट आपने लिखे या नहीं लिखे जल्दी बताइए चैट बॉक्स में चलिए बताइए अब नेक्स्ट पे चलते हैं अब नेक्स्ट इन किसके बारे में बात कर रही है न्यूट्रोफिल डॉन और द टोटल बेजोफिल्स Among them. तो यानी अब हमें नेक्स्ट पहचान कौन किसका करना है बेजोफिल का चलिए आइए बेजोफिल कहां दिए यहां पे देखिए ये है आपका बेजोफिल अब बेजोफिल की अगर बात करें तो सबसे पहले इसका न्यूक्लियस बनाएंगे लेट्स न्यूक्लियस चलो अब बेजोफिल बनाया सबने अब फिल में बच्चों क्या दिख रहा है कैसे न्यूक्लियस बनाया इज ट्राइलोड ठीक है One, two, trilobed, तो फर्स्ट चीज क्या है यहां ट्राई न्यूक्लियस न्यूक्लियस ट्राइलोब है इसका नंबर कितना दिया एनसीआरटी ने दिस इज 0.5 से 1 परसेंट यानी सबसे कम पाए जाने वाली कोशिकाएं हैं आपके रक्त में ठीक है उसके बाद तीसरा पॉइंट बेजो फिलो मने बेसिक माने लवर ठीक है ये बेसिक लवर तो यानी कि स्टेन कैसे होते हैं स्टेन विथ बेसिक डाय स्टेन बेसिक डाय ठीक है एंड प्रोड्यूस थ्री थिंग्स तीन चीजें सिक्रीट करते हैं जस्ट लाइक मास्ट सेल्स पहली चीज कौन से हिपैरिन हिस्टामिन वेसोडाइलेटर एंड सेरोटोनिन वेसोकॉन्स्ट्रेक्टा

और इसका न्यूक्लियस देखते कैसे है ये देखिए ये इसका न्यूक्लियस है एंड द शेप ऑफ द न्यूक्लियस इज हॉर्स और किडनी शेप ठीक है सो द शेप ऑफ द न्यूक्लियस इज हॉर्स शू शेप और किडनी शेप ठीक है और ये भी कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं बच्चों बाय फैगोसाइटोसिस तो ये भी क्या करते हैं फैगोसाइटोसिस शो करते हैं एंड दे आल्सो शो द मूवमेंट कॉल्ड डायपिडिसिस ये और कौन सा मूवमेंट शो कर रहे हैं डायपिडिसिस ठीक है यहां पे ये भी पॉइंट लिखा अब चलते हैं नेक्स्ट इओसिनोफिल्स पे लेट्स कम टू इओसिनोफिल्स इसके लिए कौन सा कलर ले ग्रीन ले, ले लेते हैं हम डिफरेंट डिफरेंट कलर से लिख रहे हैं हर के बारे में जिससे कि आप सारे पॉइंट्स लिख सके ठीक है चलिए बेटा का न्यूक्लियस का शेप कैसा है और इसका परसेंटेज कितना है दिया नहीं है कहीं पे इओसिनोफिल के बारे में अभी तक चलो कोई नहीं वन टू थ्री परसेंट सेल्स ऑफ टोटल डब्ल्यू ठीक है उसके बाद शेप कैसा है बाय लोब न्यूक्लियस कैसा बाय लोब न्यूक्लियस इसके दो ही लोब्स होते हैं ठीक है प्लस एक किसमें पार्टिसिपेट करता है दिस पार्टिसिपेट्स इन एलर्जिक एंड पैरासिटिक इंफेक्शंस एलर्जिक एंड पैरासिटिक इंफेक्शन इनोफिल यानी एसिड लवर किस डाई से स्टेन कर रहा है बच्चों ये एसिडिक से डाई बेटा नोट्स बन रहे है आपके बढ़िया से जल्दी बताइए एवरीवन बताओ बताओ बेटा आपके नोट्स बन रहे हैं जो मैम उससे आपको सिर्फ उसका जवाब देना होता है बाकी किसी चीज का जवाब देने के लिए आप चैट बॉक्स में नहीं आते तो जल्दी से बताइए मुझे टू टू थ्री परसेंट यूज इन चलो ठीक है यार चलो ये लो नोट्स बढ़े बन, बन रहे हैं आपने सारी चीजें लेखी अब हम टी और बी लिम्फोसाइट पे आएंगे सो लेट्स कम टू दिस साइड इसके लिए हम ये वाला कलर ले, ले लेते हैं टी एंड बी लिम्फोसाइट

अब आगे पढ़ते हैं अच्छा यहां पे लिखा है इओसिनोफिल टू टू थ्री परसेंट वेरी गुड बच्चो वेरी नाइस नाइसिनोफे टू टू थ्री परसेंट सा इंफेक्शन है पैरासिटिक इन्फेक्शन है ये ठीक है लिखो फटाफट से एवरी वन राइट दिस यस एवरी वन प्लीज राइट दिस बच्चो लिखा सबने चलो अब नेक्स्ट पे चलेंगे लेट्स गो ऑन टू द नेक्स्ट वन आ जाओ अब आते हैं ब्लड ग्रुपिंग हमने कुछ स्किप तो नहीं किया ना वी डेंट स्किप एनीथिंग फ्रॉम द चैप्टर राइट ऐसे ही है मुझे ऐसा क्यों फीलिंग आ रही है कि सम पार्ट ऑफ द चैप्टर इज बीइंग स्किप्ड क्योंकि यहां पे ना अभी तक वो थ्रोम्बोसाइट के बारे में नहीं दिया प्लेटलेट्स नहीं दिया है ना स्किप्ड हो गया ना हाँ, एक पैरा है मैं वही कह रही हूं मुझे भी ये लगा कि ऐसा तो नहीं है एन कि टी एक पैरा है वो स्किप हुआ है एक बार देख लेते हैं आगे पीछे तो नहीं है कहीं हाँ इट्स स्किप्ड स्किप्ड है हाँ 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 प्लेटलेट्स के बारे में ना चलो मैं करा देती हूँ बेटा प्लेटलेट्स के बारे में आप सारे नोट्स अपने एनसीआरटी में लिख लो प्लेटलेट्स यहाँ पे लिख लेते हैं

इनका नंबर काफी ज्यादा होता है दो पैरास्केप्ड है यस बिल्कुल सही कह रहे बच्चे मेरे को पता लग गया था पढ़ाते 1.5 टू 3.5 लाख सेल्स पर क्यूब ऑफ़ ब्लड ठीक है बच्चों कोई नहीं मैं यहाँ पे आपको नोट्स दे देती हूं तो आप ये सारे कर सकते हैं अपनी एनजे में या अंडरलाइन कर सकते हैं ठीक है उसके बाद फॉर्मेशन हाउ आर फॉर्म कैसे ये बनते हैं तो फॉर्मेशन की बात करें तो रेड बोन मैरो में एक बड़ा सेल होता है क्या होता होता है है एक बड़ा सेल होता है? उस सेल का नाम होता है मेगा कैरियोसाइट जैसे बर्स्ट करता है तो छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स बनते हैं छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स को हम क्या कहते हैं बच्चों प्लेटलेट्स पले बोलते हैं ठीक है सो so, मेगा करियोसाई। मेगा कैरियोसाइट बर्स्ट टू तो प्रोड्यूस स्मॉल फ्रैगमेंट स्मॉल फ्रैगमेंट स्मॉल फ्रैगमेंट विच आर कॉल प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स एंड दिस प्लेटलेट्स आर ऑल्सो ई ये भी क्या होती है ठीक है मेगा केरोसाइड एक बड़ा सेल है जो बोन मैरो में, जो फट जाता है फटने के बाद जो छोटा छोटी चीज वो बनाता है उसे हम प्लेटलेट बोलते हैं ठीक है अब आ जाओ इधर ब्लड ग्रुपिंग ब्लड ग्रुपिंग का ऊपर वाला पार्ट गायब हो गया ठीक है बट कोई नहीं हम करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे ठीक है यस yes, चलिए तो ब्लड ग्रुपिंग कर रहे अब हम नेक्स्ट टॉपिक ब्लड ग्रुप्स नाउ ब्लड ग्रुप का कॉन्सेप्ट जो था जो ह्यूमन में दिया वो किसने दिया था कार्ल लैंड स्टिनर ने किसने दिया था बच्चों कार्ल लैंड स्टिनर यह इंपॉर्टेंट है ठीक है अगर हम ब्लड ग्रुपिंग की बात करें तो हम थोड़ा सा जेनेटिक्स की और भी चलेंगे क्योंकि जेनेटिक्स से हम ये लेंगे जवाब इसका ठीक है शुभांग पूछे कि मैम वो बर्स्ट क्यों करता है थ्रोम्बोसाइटोपेनिया इज लेस अमाउंट ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ प्लेटलेट्स इन द बॉडी इज कॉल्ड थ्रोम्बोसाइटोपेनिया ठीक है ठीक है तमर चलो आ जाओ कार्ल लैंग मैम बिग राइट अच्छा इसे बड़ा फॉन्ट लिखना है तुम्हें दिख नहीं रहा मैं हमेशा इतना ही लिखती तो हूँ पहले जैसे भी छोटा लिखती थी अब तो धीरे धीरे मैंने थोड़ा सा अपना फोर्न साइज बड़ा किया है यस बिल्कुल चलो आ जाओ अब पे आते हैं ब्लड ग्रुप को देखते हैं बच्चों इसके लिए हम थोड़ा सा जेनेटिक्स पे जाएंगे ठीक है चलो देखते हैं सबसे पहले ब्लड के दो कॉम्पोनेंट हमने पढ़े आपने बोला यस एक था प्लाज्मा और एक था आपका फॉर्म एलिमेंट्स ठीक है आपको हमेशा याद रखना है कि प्लाज्मा में ठीक है यस जो प्लाज्मा है उसमें हमेशा क्या होती है एंटीबॉडीज होती है प्लाज्मा में हमेशा क्या डिजॉल्व होती है एंटीबॉडीज विच आर नॉन इनहेरिटेड ठीक है ये इनहेरिटेड पार्ट नहीं है नॉन इनहेरिटेड ठीक है अब आते दूसरी चीज पे यानी कि फॉर्म एलिमेंट। फॉर्म एलिमेंट में हमने देखा आरबीसी क्या देखा हमने आरबीसी अब आरबीसी के सरफेस पे होती है शुगर RVC के सरफेस पे क्या है मेरे बच्चों शुगर ठीक है अब ये शुगर दो तरह की होती है इट कैन बी ए शुगर इट कैन बी बी शुगर अब आपके नहीं नहीं शुगर क्या है चार्टॉक्स कैन ए कॉल दीज एंटीज आर इनहेरिटेबल यूनिट्स तो आपका आंसर होगा यस मैम तो दे आर इनहेरिटेड तो बेसिकली आर समथिंग वी इनहेरिट फ्रॉम आर पेरेंट्स ठीक है अब एंटीजन की बात करें तो मान लो अगर शुगर ए है मान लो आरबीसी पे सिर्फ शुगर ए है तो कौन कौन से कॉम्बिनेशन है जो शुगर ए देगा ए कॉम्बिनेशन ये है जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन दूसरा जीनोटिपिक कॉम्बिनेशन ये है ठीक है अगर मान लो सिर्फ बी ब्लड ग्रुप है यानी बी शुगर है बी एंटीजन है तो कौन से जीनोटाइप देंगे आई बी आई बी आई बी स्मॉल ठीक है बट अगर इसके पास दोनों है, तो कौन सा जीनोटाइप देगा बेटा कौन सा जीनोटाइप देगा अगर दोनों एंटीजन है तो कौन सा जीनोटाइप देगा आपका द जीनोटाइप वुड बी आई ए आई बी एंड दिस बिकम्स अ केस ऑफ को ठीक है दिस बिकम्स केस ऑफ को डोमिनेस को डोमिनेस ठीक है आया सबको समझ में कि बेसिकली शुगर कहां पर होती है एंटीबॉडी कहां पर होती है अब इसी के बेसिस पे बच्चों हम जरा एक टेबल बनाएंगे विबल ब्लड ग्रुप यहाँ पे ब्लड ग्रुप कौन सा ए तो ए के ऊपर एंटीजन यानी शुगर कौन सी होगी ए तो उसकी ऑपोजिट एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी कहां पे प्लाज्मा में यानी एंटीबॉडी बी ठीक है डोनर ग्रुप ये किसको ब्लड दे सकता है ये ए को दे सकता है अच्छा डोनर्स ग्रुप कौन किससे ब्लड ले सकता है ए और ओ से ठीक है वहीं पे अगर बी ब्लड ग्रुप है तो इसके ऊपर कौन सी शुगर होगी बी शुगर होगी एंटीबॉडीज की ऑपोजिट यानी एंटीबॉडी ए तो इस तरीके से आपको ये टेबल है नाउ द मेन क्वेश्चन सर्वदानी कौन है ठीक है सर्वदानी यानी कि जो हमेशा सबको ब्लड दे सकता है कौन सा बच्चों स ओ ब्लड ग्रुप कौन सा है ओ ब्लड ग्रुप तो अगर हम इसको देखें ओ ब्लड ग्रुप को सो दिस वुड बी यूनिवर्सल डोनर यह सबको ब्लड दे सकता है और जो सबसे ब्लड ले सकता है वो कौन सा हमारा एबी यूनिवर्सल रेसिपियंट यूनिवर्सल रेसिपियंट ठीक है बच्चो यूनिवर्सल रेसिपेंट ठीक है नाउ अब नेक्स्ट पे आते हैं यहाँ लाइन देखते हैं क्या क्या कहना चाहते हैं अस रीड क्वेश्चन लेट्स आ रहे तुम्हारे नेगेटिव पे भी आ रहे आर एच ग्रुप पढ़ा दिए क्या जो नेगेटिव नेगेटिव चिल्ला रहे हो है। हैं भाई मुझे पता तुम्हें आता है

अब हम करेंगे जरा नेक्स्ट उससे पहले हम करेंगे सवाल चलिए जी स्क्वायर आर्मी ऑल सेट क्वेश्चन नंबर वन एवरीवन स्टार्ट गिविंग मी आंसर्स थिंक कैन आंसर थिंक कैन आंसर आई गिवेन यू वन बिग क्वेश्चन यस बताइए बेटा थिंक कैन आंसर मैम वाचिंग योर चैट्स हाँ सन्नाटा होता है जब मैम बढ़िया क्वेश्चन देती है यस yes, बिल्कुल सनाटा तभी होता है जब मैम अच्छा क्वेश्चन देती है इसका मतलब आपको प्रॉपर पढ़ना है सो नाउ लेट अस स्टार्ट वन बाय वन एवरीबॉडी हैज टू पार्टिसिपेट इन द क्लास बस देखने के लिए और यहाँ पे जगराता नहीं है जो तालियां मार के चले जाओगे ठीक है यस चलिए ओ पॉजिटिव वाला क्या ए बी नेगेटिव को ब्लड दे सकता है कैन ओ पॉजिटिव गिव ब्लड टू ए बी नेगेटिव आंसर पहले ढंग से आंसर दो फर्स्ट का आंसर दो अरे भाई फॉल्स फॉल ट्रू ट्रू की अम्मा यस जल्दी बोलो आंसर इज ओ पॉजिटिव विल बी एबल टू गिव ब्लड टू एबी नेगेटिव नो बिल्कुल सही आंसर यस माय बॉयज एंड गर्ल्स बिल्कुल सही तो आंसर क्या होगा फॉल्स व्हाई फॉल्स व्हाई फॉल्स व्हाई दिस ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज रिजेक्टेड बिकॉज़ दिस हैज गॉट आरएच एंटीजन

क्योंकि इसके पास भी आर एच एंटीजन इसके पास भी आर एच एंटीजन इसके पास भी ए एंटीजन इसके पास भी ए एंटीजन सो नो न्यू थिंग ट्रांसफ्यूज्ड ठीक है पे आते हैं, ए नेगेटिव टू ए बी पॉजिटिव इज ट्रू और फॉल्स ये ट्रू है या फॉल्स है दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू अगेन अगर हम देखें यहां पर तो ए एंटीजन इसके पास है ए एंटीजन इसके पास है इसके पास आर एच एंटीजन है बट इसके पास नहीं है बट स्टिल इट कैन गिव बिकॉज नो न्यू एंटीजन नो न्यू एंटीजन इज ठीक है नाउ कमिंग टू द फोर्थ वन लेट्स कम टू द फोर्थ वन ओ नेगेटिव कैन गिव ब्लड टू ओ पॉजिटिव इज दिस पॉसिबल दिस इज अफकोर्स पॉसिबल ये भी ट्रू है बट अगर ये इस डायरेक्शन में होता देन इट वुड बी फॉल्स इस डायरेक्शन में है तो ट्रू ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो फॉल्स क्यों क्योंकि ये इसे एंटीजन दे देता एंटीजन आने का मतलब है खतरा बेटा आई थिंक ये वाला कॉन्सेप्ट आपको पूरा क्लियर है अब इस वाले क्वेश्चन में गड़बड़ तो नहीं होगी आपकी नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक ठीक है चलिए आर एच ग्रुपिंग और आर एच इनकम्पैटिबिलिटी एच डी एन हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यू बॉर्न ये सब चीजें आज हम करेंगे चलिए आइए अनदर एंटीजन आर एच एंटीजन सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन रीजस मंकी है वो किसके कारण आया किसके काम आए बेटा रीजस मंकी के कारण इज ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन द सर्फेस आरबीसीटी नियरली एटी परसेंट ऑफ ह्यूमन एंड दिस एंटीजन इज वेरी कॉमन इन ह्यूमन पॉपुलेशन और ह्यूमन पॉपुलेशन में करीबन करीबन अस्सी परसेंट देखने को मिलता है ठीक है तो so, जिसके, जिसके पास नहीं है उसे आर नेगेटिव बोलेंगे ठीक है तो ये क्या हो जाएगा आर पॉजिटिव और जिनके पास ये एंटीजन नहीं है उसे हम क्या बोलेंगे आर नेगेटिव एंड आर एच नेगेटिव पर्सन एक जो आर एच नेगेटिव पर्सन है हम antigen match कर रहे थे वहां पर आपको और क्या मैच करना मैच करना है ठीक है ठीके? क्या और मैच करना आपने आर एच एंटीजन भी मैच करना है ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट अ स्पेशल केस ऑफ आरएच इनकंपैटिबिलिटी यानी आप स्पेशल केस देख रहे हैं आरएच इनकंपैटिबिलिटी का हैज बीन ऑब्जर्व विद द आरएच नेगेटिव ब्लड ग्रुप ऑफ द प्रेग्नेंट मदर तो मदर क्या है बच्चों यहाँ पे लिखेंगे सब मदर इज आरएच नेगेटिव मदर क्या आरएच नेगेटिव है यहां पे लिख लेते हैं आरएक्स पॉजिटिव चाइल्ड है यानी बच्चा क्या बेटा फीटस इज आरएच पॉजिटिव तो फिर फादर क्या होंगे बच्चों मदर आर एच नेगेटिव है तो फादर क्या होगा प्रेगनेंसी, ये प्रेगनेंसी है. तो जब फर्स्ट प्रेगनेंसी हुई तो इज नो ट्रांसफ्यूजन देर इज नो मिक्सिंग ऑफ ब्लड मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होती है ठीक है बट जैसे ही चाइल्ड डिलीवरी का टाइम आया किसका टाइम आया चाइल्ड डिलीवरी का तो चाइल्ड डिलीवरी में हमने देखा कि द दे फीटल ब्लड मिक्सिस विद मेटर्नल ब्लड फीटल ब्लड मिक्सिस विद मेटर्नल ब्लड तो जैसे ही ये ब्लड मिलता है तो मदर क्या बनाती है एंटीबॉडी अगेंस्ट अगेंस्ट आर एच एंटीजन ठीक है तो यानी कि मदर ने क्या बनानी शुरू कर दी बेटा एंटीबॉडीज बनानी शुरू कर दी किसके अगेंस्ट अगेंस्ट एंटीजन के बनानी शुरू कर दी अब अगर प्रेगनेंसी है ठीक है अब देखते हैं इन द केस ऑफ हर सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी यानी कि सेकेंड प्रेगनेंसी की बात करें तो जो आर एच एंटीबॉडी थी फ्रॉम द मदर जो ऑलरेडी एंटीबॉडी बन गई एं मदर के ब्लड में दैट केन लीक इनटू द ब्लड ऑफ द दीटर्स अब लीक कहां से हो रहा है प्लेसेंटा

जॉनडिस ऑफ द बेबी तो यहां पर हो सकता है या फिर जॉन्डिस हो सकता है ठीक है दिस कंडीशन इज ऑल्सो कॉल एरिस एंटीआरएच एंटीबॉडीज एंड एंटीआरएच एंटीबॉडीज आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ इंजेक्शन एंड द नेम ऑफ द इंजेक्शन इज रो गम ऑफ द इंजेक्शन इज रोग मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट तो पहला बच्चा होता ही बेटा रोग गम दे दो तो सेकंड बच्चा बच बच्च जाएगा क्लियर हुआ सबको से बता चैट बॉक्स में बच्चो होनी चाहिए पढ़ाई बहुत जरूरी है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट डेट यू स्टडी केयरफुली विशन है ना? देखो इसको सिंपल तरीका करने का दैट इज मेक अ फ्लो चार्ट द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज जस्ट मेक अ फ्लो चार्ट ठीक है तो फ्लो चार्ट बनाने के लिए तैयार उससे पहले सब पानी पी सकते हैं या फिर मैम को पानी पीते देख सकते हैं दे गैर मे टू ऑप्शन यस पिल्लू लड़का है यस okay. yes. चलिए हाँ रोजा है मुझे पता है बच्चों आई नो दिस अ डे विदाउट अ वाटर कैन कैन बी अ वेरी टफ डे यस आई बट ठीक है वेरी गुड चलो बेटा अब हम शुरू करेंगे यहां से क्वागुलेशन ऑफ ब्लड ब्लड पे दिस नेक्स्ट टॉपिक क्वागुलेशन मीन्स रक्त थक्का रक्त थक्का मीन्स ब्लड क्लॉटिंग की बात करेंगे हम इस वाले टॉपिक में ठीक है चलिए आइए यू नो दैट वेन यू कट योर फिंगर बेटा अपनी फिंगर काटनी नहीं है ठीक है प्यार जितना भी हो जाए ये सब नॉट अंक मत करना प्यार फिर से हो जाता है अब वो जमाने गए ही रांझा वाले लैला मजनू वाले अब सब मजनू बने घूमते हैं हर तीसरे दिन एक नए देवदास बनके तुम मजनू बन जाते हो तो फिंगर तुम कट करोगे नहीं तुम ऐसा मुझे पूरा भरोसा है तुम पे ठीक है यस हर्ट योरसेल्फ यू योर बून बून माने चोट ठीक है दिल की चोट नहीं बेटा डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम जैसे ब्रेकअप होने के बाद अब तुम ज्यादा रोनाराटा नहीं करते हो ठीक है यूजली है खून बहना ठीक है ड्यू नो वाई आपको पता है क्यू क्यू की आपके दोस्त होते हैं ये ब्लड एक्सिबिट क्वागुलस टू इन इंजरी और ट्रोमा तो सबसे पहला पॉइंट The first point that you have to start is injury or trauma so everybody make a flow chart here yahan हम लिख रहे rahe injury और trauma और trauma लिखा सबने तो सबसे पहले क्या होती है चोट लगती है या धक्का लगता है जीवन में है ना Yes बिल्कुल जिस इज अकेजम टू प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी ठीक है बिल्कुल सही है you would have observed a dark reddish brown scum formed at the side of a cut or an injury over a period of time बेटा but की अंग्रेजी देख रहे हो तुम? देख रहे हो अंग्रेजी देख रहे हो तुम एनसीआरटी की एनसीआरटी कह रही है रेडिश ब्राउन स्कम अपन देसी भाषा में से क्या बोलते हैं सीधा बोलते हैं खुरंट ठीक है क्या बोलते हैं बेटा खुरंट है ना तो बेटा यहां पे हमको क्या समझना है

छत्ते के अंदर क्या भर जाता है बेटा तो इंजरी और ट्रॉमा को देखते हैं सबसे पहले इंजरी एंड ट्रॉमा हुआ तो जो सबसे पहले एक्टिवेट होते हैं वो क्या एक्टिवेट होता है बेटा क्या है ना तुम्हारी चोट वोट सब भर जाएगी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब आ जाएंगे तो उन सब चीजों की चिंता मत करो लाइफ में ठीक है यस बिल्कुल चलो एक बच्चा कह रहे मैम हम तो पापड़ी पापड़ी बोलते हैं पापड़ी तो मट्ठी किसको बोलते हो हम जनरली uh, मैं बता रही हूँ वैसे कहना नहीं चाहिए पापड़ी तो हम उनको बोलते हैं जो बहुत पतले होते हैं यस yes. मट्ठी भी बोलते हैं। वो यस yes. बिल्कुल समोसा थोड़े से यू नो वी एक्चुअली डू दिस बिल्कुल चलो कोई नहीं ऐसा बोलना ही चाहिए सब सब अच्छे हैं सब सुंदर होते हैं बचपन में बोलते थे तो मेरे को भी बहुत डांट पड़ी थी अपनी टीचर से कि ये तुम लोग क्या करते हो यार ये नाम याराम क्यों रखते हैं कई बार हम टीचर के भी नाम रखते तुमने भी जरूर रखे होंगे जी स्क्वायर के नाम बिल्कुल आई एम श्योर अबाउट दिस ठीक है चलो ये तो पहला फर्ज होता है क्लास में घुसते ही टीचर का नाम रख देना नलायक पंथी करना ये तो हमारा क्या जन्म से अधिकार होता है ना यस बिल्कुल चलो आज कोई नहीं इंजरी और ट्रॉमा पे चलते हैं सबसे पहले इंजरी और ट्रॉमा हुई धक्का लगा हाय मेरी नींद उड़ा ले गई ठीक है तो जैसे इंजरी और ट्रॉमा हुआ दिस विल लीड टू द एक्टिवेशन एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट्स ठीक है प्लेटलेट्स एक्टिवेट हो गई क्योंकि प्लेटलेट्स जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे है ना ये बात बिल्कुल सही है बच्चों अब उसके बाद आते है, जैसे प्लेटलेट्स एक्टिवेट होते हैं दे रिलीज फैक्टर्स व्हिच आल्सो गेट एक्टिवेटेड द फैक्टर्स आर थ्राम Thrombo These thromboplastins activate द enzyme थ्रोम्बोकाइनेस कौन सा एंजाइम एक्टिवेट कर है? रहा प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में चेंज कर रहा है ठीक है किस में कन्वर्ट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम इट इज कन्वर्टिंग प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन ठीक है बेटा हो गया चेंज ये कि इसमें थ्रोम्बिन में अब थ्रोम्बिन जो है कन्वर्ट कर रहा है आपके फाइब्रिनोजन को इन फाइब्रिन किस में कन्वर्ट कर रहा है फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर रहा है फाइब्रिन में कुछ कन... तो है रुको ये हर बार एक बार तो होता ही है क्लास में कन्वर्ट कर बच्चों ये में कन्वर्ट कर अगेन इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम तो आप देख सकते हैं कि पूरा फ्लो चार्ट है और कैल्शियम इज वेरी नेसेसरी फॉर द क्लॉटिंग ऑफ ब्लड जब तक कैल्शियम रहेगा तब तक ब्लड क्लॉटिंग चलती रहेगी ठीक है चलो आओ आप देखते हैं थ्रोम्बिन इन टर्न ऑफ फॉर्म फ्रॉम द इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन तो प्रोथ्रोम्बिन से ही थ्रोम्बिन बनता है और किसकी मदद से बनता है थ्रोम्बोकाइनेज की मदद से बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम बनता है एंड कॉम्प्लेक्स फ्रॉम रिक्वायर्ड फॉर दिएक्शन देखो एनचर कॉम्प्लेक्स कर रही है जब हमने फ्लो चार्टी बना दिया है ना येट प्रोसेस कैसकेट का मतलब क्या होता है चेन ऑफ रियक्शन क्या मतलब चेन ऑफ रियक्शन ठीक है ना इन्वॉल्विंग नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एन इन एक्टिव स्टेट

कैल्शियम प्लेस एन इंपॉर्टेंट रोल इन द द्लॉटिंग लेटेस्ट इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कैल्शियम डेफिशिएंसी क्या होगा बच्चों बताइए इफ अ पर्सन इज कैल्शियम डेफिशिएंसी व्हाट विल हैपन चलो जल्दी बताओ क्या होगा अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी है ठीक है सो दिस विल लीड टू इफ डेफिशियंसी दिस लीड्स टू डिले इन प्रोसेस डिले इन प्लॉटिंग प्रोसेस तो जो प्लॉटिंग का प्रोसेस है वो डिले होना हो शुरू हो जाएगा सो कैल्सियम प्ले इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ठीक है अब बेटा हम इसमें आर्टिफिशियल एंटीकोगुलेंट की भी बात कर लेते हैं यहां पर लिख लेते हैं आर्टिफिशियल एंटी क्वागुलेंट्स आर्टिफिशियल एंटीक्ट्स में क्या आता है बेटा ईडी टी ए क्या आता है बेटा ईडी टी ए

अब तुम तो उसे चिलेटिंग बोलते हो किलेटिंग बोलते हो वो तो भगवान ही डालता है चिलेटिंग एजेंट और किलेटिंग एजेंट ठीक है एजेंट का काम क्या होता है है ये कैल्शियम को पकड़ के रखता ठीक है क्या काम होता है इट होल्ड कैल्शियम जब तक कैल्शियम को पकड़ के रखोगे क्लॉटिंग का प्रोसेस नहीं होगा ठीक है जब तक हम कैल्शियम को पकड़ के रखेंगे नो क्लॉटिंग विल अकर दिस इज हाउ ईडी फंक्शन आया सबको समझ में

कनेक्शन बिटवीन ब्लड और टिश्यूज ब्लड और टिश्यूज तो इन दोनों के बीच का कनेक्शन है इसलिए हम इसे मिडलमैन बोल रहे हैं ठीक है बिल्कुल चलिए अब नेक्स्ट में चलते मैम बीच में का आदमी सेंटर आदमी मतलब इतने अच्छे जोक्स आज कहां से आ रहे बेटा क्या खा के आए आज सुबह सुबह इतने गंदे जोक्स यस बीच का बंदर वेरी गुड वेरी गुड और कुछ बचा है जिंदगी में पढ़ने के लिए चैट बॉक्स में है भाई बीच का बंदर बीच का आदमी बड़े नहीं होंगे मतलब है तुम लोगों को ना लायक चलो आज द ब्लड पासिस कैपिलरीज इन टिश्यू ध्यान से सुनिए जैसे ब्लड कैपिलरी से बहता है टिश्यूज में सम वॉटर लॉन्ग द सेल्स ऑफ टिश्यू

बनाया सबने ये टिश्यू है दिस इज आर टिश्यू ठीक है यहां पे हम बना रहे ब्लड कैपिलरी, सिंगल सेल ब्लड कैपिलरी, ठीक है इसके अंदर क्या है ब्लड है इसके अंदर क्या है ब्लड है दिस इज ऑल ब्लड अब ब्लड से चीजें यहां जाती है लाइक ओ टू यहां आती है सीओ टू अब जब यहां पे आवागमन हो रहा है मतलब एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स हो रहा है बेटा तो कुछ चीजें बीच में रह जा रही है कुछ चीजें लीक होके बीच में रह जा रही है और ये जो लीक्ड होते हैं जो ये लीकड पार्ट है दिस फॉर्म दिस दिसक् पार्ट इज कॉल्ड एज योर लिम्फ एंड दिस लिम्प इज ऑल्सो कॉल्ड एज टिश्यू फ्लूड टिश्यू फ्लूड और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटर स्टीशियल फ्लूड इंटरस्टिशियल फ्लूड ठीक है डन बच्चों, तो पहली लाइन को आप ऐसे समझ सकते हैं मैम लो कैल्शियम लेवल अफेक्ट मेंसेस आसमी बिल्कुल बेटा अगर आपके कैल्शियम लेवल कम होंगे तो बेटा आपकी पूरी की पूरी बॉडी में अफेक्ट तो आएगा ही आसमी यू डोंट नीड टू स्पैम दिस बेटा यस yes. लो कैल्शियम लेवल का मतलब ही यही है कि मसल कॉन्ट्रक्शन में भी आपको कैल्शियम चाहिए कैल्शियम के के चाहिए बिकॉज ऑफ द ब्लड शुगर बेटा देखो मैं आपको बताऊँ डायबिटीज इज समथिंग जैसे मैं हमेशा कहती हूँ की एक जहर है जो आपको एकदम से ना मार धीरे धीरे मारा एवरी डे सबसे पहले जिन लोगों को मीठा खाना पसंद है वो मीठा नहीं खा पाते तो बेसिकली आप ऐसी जिंदगी जी रहे हैं कि जहां पे आप अपने मन का कुछ नहीं कर पा रहे हैं ठीक है आपके पास बहुत पैसा होगा चलो मैं मानती हूँ बट वट आप खाई नहीं सकते बिकॉज योर बॉडी इज नॉट परमिटिंग ठीक है और जितना ज्यादा शुगर रहेगा बॉडी में उतना ज्यादा आपका प्रोसेस क्या होगा खराब होना शुरू हो जाएगा बिकॉज इट एक्ट एज अ पॉइजन आपको पता है yes, रश कहते हैं उसको आपने देखा होगा अगर आप रात में अच्छा मैं आपको बताती हूँ छोटे से एग्जाम्पल आपने ऑब्जर्व किया है नहीं किया है आई रियली डोंट नो बट आई कीप टेलिंग यू द डे डे टू लाइफ थिंग्स रियलीपे अगर आपने बच्चों ट्राई किया है रात में आपने दो कैन ऑफ कोक पी लिया मतलब मान लीजिए आपने दो ग्लास शुगर मतलब कोक पी ली डाइट वाली नहीं और ला, नॉर्मल वाली ठीक है यस तो आप देखोगे आपको रात को नींद नहीं आएगी यू वेट इनफ स्लीप आपको नहीं आएगी आप रात में चाय पी लो मीठी चाय आपको नींद नहीं आएगी ठीक है This is called sugar rush, क्योंकि बॉडी बॉडी में इतना शुगर आ जाता है कि एकदम से एक्टिव कार्बोहाइड्रेट डोंट कंफ्यूज इट विद अगर आप, आप रात में फैटी चीज खा रहे हैं लेट से आपने छोले भटूरे खा लिए तब तो आपको तुरंत से नींद आ जाएगी क्योंकि तो यहाँ पे आपको यू नीड टू डिफ्रेंशिएट की वॉट यूर खाओगे तो, यू खाओ तो नींद तुरंत से आ जाएगी बच्चों वहीं पे अगर आप वो खाएंगे शुगर खाएंगे तो आपकी नींद भाग जाएगी ठीक है तो ये सब चीज होती है बेटा दिस इज वॉट देश दिस दे इज कॉल्ड शुगर रश एंड दिस इज शुगर एडिक्शन ऑल्सो ये भी एक प्रकार का एडिक्शन है ठीक है ओके वरुण न इंटरस्टीशियल फ्लूड एंड एक्सट्रास्टिशियल फ्लूड इज वेरी मच डिफरेंट बेटा यस चलो अब आते हैं नेक्स्ट पे एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रेंट गैसेज बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू द फ्लूड ठीक है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रेंट्स गैसेज है बिटवीन द ब्लड एंड द सेल्स ऑलवेज अकर थ्रू द फ्लूड

बोथ आर no. no, 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 no. नॉट yes. सेम बेसिकली इनका प्रिपरेशन भी बहुत डिफरेंट होता है बेसिकली जागरी बहुत ही इनिशियल प्रोडक्ट है ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ अस्ट शुगर ठीक है उसमें कम केमिकल्स होते हैं and jaggery is really good for health I've heard this that this helps in the good blood circulation also yes and no doubt uske andar jo meetha content hota hai wo kam hota hai kyunki sugar is the finest form of filtered sweetness theek hai to aap kha sakte hain yes jaggery is always good but make sure it is you know uh, ye अच्छा jaggery. आजकल तो आपको पता है नकली jaggery भी बहुत है Jaggery को बेटा हिंदी में गुड़ uh, कहते हैं गुड़ गुड़ जैसे कि सर्दी में आपने देखा होगा गज्जक आनी शुरू हो जाती है है ना वैसे बिल्कुल यस yes. चलिए अब आएंगे हम सर्कुलेटरी सर्कुलेटरी पे द नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर टुडे इज अ पाथवे आई वांट एवरीबॉडी टू प्लीज पे अटेंशन इन द क्लास प्लीज पे अटेंशन बच्चों ये वाला टॉपिक भी हमें करना है सारे टॉपिक हमें करने हैं सो प्लीज पे अटेंशन इन द क्लास अब हम ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे एक एक वर्ड पढ़ेंगे यहां से क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था ठीक है चलो द सर्कुलेटरी पैटर्न ऑफ टू टाइप हमारे पास दो तरह के सर्कुलेटरी पैटर्न है एक ओपन और एक क्लोज तो ओपन का डायग्राम मैं यहां पे बना रही हूं क्लोज का डायग्राम मैं वहां पे बनाऊंगी ठीक है तो सबसे पहले क्लोज से शुरू करते है से, हैं क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम सी स्टैंड फॉर कैपिलरी सी स्टैंड फॉर व्हाट कैपिलरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ चुका है यहां से ठीक है आ जाओ देखते हैं कैपिलरी ये हो गया हमारा हार्ट यह होगी ब्लड वेसल यह हमारा होगा कैपिलरी बेड यह हो गई हमारी वेन्स ठीक है और यह हो गए हमारे टिश्यूज तो यहां पे आप देख सकते हैं ब्लड से जो भी चीज है टिश्यू में जाएगी थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन किसके थ्रू जा रही है थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन तो पॉइंट नंबर वन क्या

बेड प्रेजेंट फर्स्ट पॉइंट सेकेंड एज यू कैन सी ब्लड नेवर कम्स इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द टिश्यूज ब्लड नेवर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद टिश्यूज़ ठीक है थर्ड ब्लड प्रेशर कैन बी रेगुलेटेड यस ब्लड प्रेशर बिल्कुल रेगुलेट हो सकता है सो यहां हम लिखेंगे ब्लड प्रेशर कैन बी रेगुलेटेड ब्लड प्रेशर रेगुलेट हम कर सकते हैं ठीक है नाउ द फोर्थ एग्जाम्पल मैम तो क्या डायबिटीज पेशेंट बहुत एक्टिव होते हैं डॉक्टर प्रांजल जयसवाल नो बेटा पंछी बेटा यू गो टू आगरा आई टेल यू दस्ट रिसरा पंचीपेठा इज लाइक एवरीवेयर इन द आगरा पंचीपेठा इट्स द आगरा शुड बी रीनेम्ड एज पंचीपेठा क्योंकि पंचीपेठा यू गो टू छोटी छोटी वाली सड़क पंचीपेठा यू गो टू बड़ा सड़क यू फाइंड पंचीपेठा यू गो टू ताज महल फाइंड पंचीपेठा

द फर्स्ट एग्जाम्पल इज मैमल्स सिफालोपोर्ट्स सिफालोपोर्ट्स में क्या आएगा ऑक्टोपस ऑक्टोपस तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल है क्लोज के यहां पे हम देख लेंगे अब हम सबसे पहले ओपन वाला बनाएंगे लेट्स मेक द ओपन वन आल्सो यहां पे मैम ओपन का डायग्राम बना रही रहे ओपन ऑपरेटरी सिस्टम एक वर्ड को समझाने के लिए ना इतना लिखना पड़ता है दिस इज कॉल्ड यू नो रीडिंग एनसीईआरटी समझ लो बात को इतना जज्बा होना चाहिए एक वर्ड वी एव जस्ट रेड टू वर्ड दो शब्द पढ़े हमने यहां पे ठीक है ओपन वाले पे जाएंगे ओपन का डायग्राम बनाएंगे चलिए हार्ट ब्लड वेसल ब्लड वेसल टिश्यू ठीक है तो सबसे पहले डिफरेंस लिखेंगे। एवरीबॉडी एवरीबडी इज गोइंग टू राइट द फर्स्ट डिफरेंस हेयर यू कैन सी द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम डू नॉट हैव कैपिलरी बेड डू नॉट हैव कैपिलरी बेड पॉइंट नंबर टू ब्लड इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ टिश्यू ब्लड इज इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ टिशूज विथ टिश्यूज ठीक है थर्ड अब थर्ड पे आते हैं ब्लड इसके डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में टिश्यूज के थर्ड ब्लड प्रेशर कैन नॉट बी रेगुलेटेड ब्लड प्रेशर रेगुलेटेड नहीं हो सकता फोर्थ इसके एग्जाम्पल सबसे पहले आर्थ्रोपोडा आर्थ्रोपोडा इज अ मोस्ट फेमस एग्जाम्पल बिकॉज सारे आर्थ्रोपोडा के पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है

Annihilates and caudates have a closed circulatory system in which the blood pump by the heart is always circulated through a closed network of blood vessels. And this closed network of blood vessels is capillaries. They are capillaries. This pattern is considered to be more advantageous as a flow of fluid can be more precisely regulated. Regulated means blood pressure can be regulated. ठीक है नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन ऑल वोटिब्रेट सॉरी अ मस्कुलर चेंबर हार्ट और हार्ट का ओरिजिन क्या है हु कैन हेल्प मी विद हार्ट ओरिजिन दैट इज ओरिजिनल यहाँ पे हम लिखेंगे ओरिजिन ऑफ द हार्ट इज मीजो एंड इन द लोकेशन ऑफ द हार्ट इज वेंट्रल साइड द हार्ट इज लोकेटेड ऑन द वेंट्रल साइड हैव अ टू फिशेजर्ड हार्ट फिशेज के पास कितना चेंबर्ड हार्ट है

तो so, चलिए सबसे पहले लिखेंगे फिशेस इन फिशेस यू विल फाइंड वॉट इन फिशेस बच यू विल विल फाइंड फाइंड दैट यू दैट कि दे हैव सिंगल सर्कुलेशन सिंगल सर्कुलेशन सिंगल सर्कुलेशन का डायग्राम हम बनाएंगे चलिए तो यहां पे क्या है गिल्स बॉडी टिश्यू यहां हो गया हार्ट ठीक है के, के पास आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स के पास आया ऑक्सीजनेटेड ब्लड बॉडी ने यूज किया ऑक्सीजन और सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां गया हार्ट और हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां गया गिल्स तो बेसिकली हार्ट के पास हमेशा कौन सा ब्लड आता है हार्ट रिसीव्स ऑलवेज डिऑक्सीजनेटेड ब्लड केस ऑफ फिशेस ठीक है अब आते हैं नेक्स्ट सेकेंड amphibians and reptiles तो so, अगर amphibians and reptiles की बात करें they have got incomplete double circulation what they have they have in complete double circulation कोई बाहर गाने बजा रहा है सुनाई दे रही है बेटा आवाज गाने बज रहे बाय गॉड दे रही आवाज सुनाई अभी भगाती रुको अभी भगा क्या reptiles, यहां पे आप देख सकते हैं द लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड तो यहां पे बनाते हैं लेफ्ट लेफ्ट एट्रियम। एट्रियम, पे क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड ठीक है फ्रॉम द and the स्किन एंड राइट a deoxygenated ब्लड फ्रॉम द बॉडी parts, यहां पे आया डिऑक्सीजनेटेड ब्लड हाउट मिक्स इन टू द सिंगल वेंट्रिकल और यहां पे दोनों ब्लड क्या हो जाते हैं मिक्स हो जाते हैं तो मिक्सिंग ऑफ ब्लड हो रही है एंड वेंट कर पंप इट आउट विदाउट एनी मिक्सिंग एंड दिस इज कॉल्ड टू सेपरेट पाथवे दैट यू सी इन केस ऑफ ह्यूमंस दिस इज कॉल्ड कंप्लीट डबल सर्कुलेशन उसे क्या बोलेंगे हम कंप्लीट डबल सर्कुलेशन बोलेंगे तुम्हें सुनाई नहीं तेरा गाना चलो कोई नहीं बढ़िया है सुनाई नहीं दे रहा तो पढ़ो बैठ के फिर सुनाई ना भी अच्छा है पढ़ो बैठ के तो बेटा ये है आपका यहाँ पे अब हम थर्ड चीज लिखेंगे इज बर्ड्स बर्ड्स एंड एंड हैव कंप्लीट डबल सर्कुलेशन कंप्लीट डबल सर्कुलेशन एंड कंप्लीट डबल सर्कुलेशन यू हैव टू थिंग्स फर्स्ट पाथवे पल्मोनरी सर्कुलेशन And other is systemic. No mixing of blood. Here you will see no mixing of blood. Yes. Done, Macho. Now, human circulatory will be starting tomorrow, Macho. We will start this uh, human circulatory system in the next class.

Yes, since the bumper offer is going on for the plus and I'm waiting for you in my plus batch also where you get personal mentorship by G-Square and doubt solving and daily quizzes, you can use need for your 10% discount. You get 10% discount. So these are the three most important information before we summarize the class and end the class. Thank you so much, Bacho. And I will see you one o'clock with digestion and absorption questions. Okay chale bye take care my kids take care bye